उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में शुक्रवार को रंगदारी के मामले में न्यायालय में पेशी के लिए आए विजय मिश्रा ने एडीजी ला एंड आर्डर सहित सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में विजय मिश्रा के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद मिर्जापुर से संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में जनपद भदोही के चिन्हित माफिया विजय मिश्रा की पेशी थी, जिसको आगरा पुलिस द्वारा कोर्ट में लाया गया था। पेशी के बाद यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विजय मिश्रा द्वारा विधि विरुद्ध कार्य करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, अनर्गल बयानबाजी करना इत्यादि तथ्य संज्ञान में आए हैं। इन तथ्यों के आधार पर विजय मिश्रा व अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद मिर्जापुर से संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि आगरा पुलिस के कर्मचारी विजय मिश्रा को लेकर आए थे, लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु संबंधित जनपद से पत्राचार किया गया है। फिलहाल विजय मिश्रा व अन्य के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये जगदीव सिंह और राजा भैया के संबंध मुख्तार है, मेरे नहीं है। अच्छा, मुख्तार से हमारे उन्होंने चलते रहिए। सुशील सिंह दिए कौन रखवाए मैं नहीं जानता। सुशील ने बताया था कि डीजी लाए नाडर आपके बेटे पर रखेंगे। एक बार कारागार में बताया था सुशील, बताया सुशील सिंह ने आपको बताया था। हाँ, रखा गया है। बिल्कुल, हमारे नेता अधिकारी आते थे, ब्रजेश सिंह को हमने जितवाया, उनसे हमारे संबंध बात। मतलब सभी का संबंध है आपसे, आपका सभी से संबंध है। गुप्ता से संबंध है कि नहीं? बिल्कुल 1998 से बिल्कुल देखा जाए पहले की नहीं। मतलब ये आरोप लगाया गया है सबसे ज्यादा संबंध रघुराज प्रताप जी ने फसाने के लिए पूरी है खून की। हमारे परिवार बेटी दमादो खून की प्यासी है, खून की प्यासी है सरकार। यही है ना, सरकार में कौन है मालिक फंसा रहा है और क्यों फंसा रखा? चलो अपराधियों को सजा हो गई, चलो अपराधियों को सजा हो गई किन अपराधियों को सजा? आज किस मामले में आए थे आप? आज किस मामले में आए थे? सरकार जाने भी कितने मामले में आना पड़ेगा, सरकार जाने। आज का मामला क्या था? आज भी कोई 2 लाख रुपया हम मांग रहे थे, 15 लाख आगे क्या पंडा में पता नहीं है उसी मामले में। अभी कितने मामले लिखे जाएंगे जब तक हमारी जान नहीं ले लेंगे? परिवार बेटी दामाद जो बम्बई दिल्ली में रह नहीं पाए, मुख्यमंत्री गए थे अभी अपने घर, वहाँ बहन की बेटी को प्यार खिला और किसी बेटी बेटा नहीं जिसको आप फंसाते हैं, किसी और बेटी बेटा नहीं मानते आप। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री ईमानदार है, सीबीआई असल माँ बाप के हो, असल गुरु के हो, सीबीआई इंक्वायरी कराए। और ये डीजी जेजी जेल जाएंगे, राम बदन जेल जाएगा। अभी 2 AK-47 कारतूस और रखी है, कहाँ पर रखी है? कहाँ पर? शांत कुमार और डीजी क्या लखनऊ में? अच्छा, सुशील सिंह लखनऊ के भदोही ले आके लखनऊ में, वहीं से एसटीएफ वाले ले आए हैं। विधायक सुशील ने बताया जेल में सब कुछ बताया। क्या बताया? आपको बेटे फंसाई जाए।